बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ गाइगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। तो बच्चों हमारा की कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज दैट डिस्टेंस वेयर काइनेटिक एनर्जी एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कन्वर्ट्स इंटू कन्वर्ट्स इंटू पोटेंशियल एनर्जी। मीनिंग कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, जैसे ही इट विल कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो अल्फा पार्टिकल भी आपका पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/4 πε0 ze (2e). 2e इज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल अपॉन and distance of closest approach d। तो d किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 1/4 πε0 होता है 9 × 10⁻⁹ एंड यहाँ हमारे पास z है 79 × 2 × e² 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो कि है 7.7, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन इंटू जूल। सो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 29.5 फर्मी। सो अदर क्वेश्चन इज व्हाई this distance of closest approach is different from the atomic radii. So if we talk about distance of closest approach, so distance of closest approach is larger then atomic sorry larger than nuclear radius जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो जो एक्चुअल रेडियस होता है गोल्ड न्यूक्लियस का उससे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैट पार्टिकल दैट अल्फा पार्टिकल एंड द चार्ज एटॉमिक न्यूक्लियस, क्योंकि आपका न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है एंड जो आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सो there will be a repulsion between them। देखिए अगर हम मान लें ये है आपका न्यूक्लियस एंड ये हो गया रेडियस, सो वट विल हैपन जैसे ही अल्फा पार्टिकल ऐसे अप्रोच करेगा, सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट इट विल रिफ्लेक्ट। Now it may reflect at any angle, it can reflect either by 0 degree or it can reflect by 180 degree, so it will repel
एंड इट कैन रिफ्लेक्ट इन एनी ऑफ द एंगल. सो ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां पर आपकी एंटायर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में. So that is why जो आपका distance of closest approach है, that is larger than the nuclear radii. I hope you understood it well. Best of luck.